देखिए 2600 का खर्च 70 रुपए में दोस्तों आ गया। दोस्तों आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे टेरेस किचन गार्डन और हमारे चैनल ग्रीन लाइफ डायरीज पर। जैसे कि आप देख सकते हैं गर्मी का मौसम आ चुका है, तो हमारे इंडिया की बात करें तो 8 महीने दोस्तों गर्मी का मौसम रहता है। अगर आप गार्डनर हैं, आपने प्लांट्स लगाए हुए हैं, पौधे लगाए हुए हैं, तो अब ज़रूरत है उनको ज़्यादा पानी देने की और दोस्तों उन पौधों को छाँव में करने की। हम सभी पौधों को शेड के नीचे तो रख नहीं सकते, क्यों ना दोस्तों एक ऐसा मैकेनिज्म बनाएं कि ऐसा शेड नट बनाएं जो कि मात्र 2 से 3 सेकंड में खुल जाए और बंद हो जाए। दोस्तों इसके रिगार्डिंग जो मैंने वीडियो अपलोड की थी और उस वीडियो को आपने काफ़ी प्यार दिया, पर उसके साथ बहुत सारी क्वेरीज भी आई, हमारे जो सब्सक्राइबर बहन भाई थे उनको कन्फ्यूज़न भी आई कहीं ना कहीं जाकर कि कोई जो रोप्स मैंने बांधी थी वो रोप्स कैसे बांधनी है, रोप्स को किस तरह से किस साइड से खींचना है। दोस्तों उन सभी कन्फ्यूज़न का हल, उन सभी डाउट्स को मैं इस वीडियो में दूर करूंगा। जैसे देखिए ये मेरा पहले वाला दोस्तों ग्रीन नेट है, मात्र 2 से 3 सेकंड में ही खुल जाएगा। देखिए जी खुलता, यहाँ दोस्तों मैं इसी ग्रीन नेट की बात कर रहा था। देखिए कई हमारे सब्सक्राइबर्स को थोड़ी कन्फ्यूज़न हो गई थी इसके प्रति, तो इसलिए मैं दोबारा वीडियो बना रहा हूँ। मैंने नई जगह नेट शेड दोस्तों इंस्टॉल किया है, तो जो पहला नेट शेड था थोड़ा सा दोस्तों कॉस्टली पड़ता था, मैं बताता हूँ आपको। देखिए इसमें मैंने दोस्तों स्टील वाले जो पाइप डाले थे पहले, जिनके ऊपर जो रिंग्स चलते थे, ये जो रिंग्स थे दोस्तों ये चलते थे स्टील वाले पाइप के ऊपर, तो इसकी जगह दोस्तों एक नया मैकेनिज्म लगा दिया। और दोस्तों हमारे सब्सक्राइबर्स की एक और क्वेरी थी कि आपका इस सब पर कितना खर्चा आ गया। दोस्तों अगर मैं खर्च की बात करूं तो मेरा 15 से 20 हज़ार खर्चा आ चुका है, पर दोस्तों आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। अभी मैं आपको एक ऐसा मैकेनिज्म बताऊंगा जिससे कि आपका खर्चा आधे से भी आधा हो जाएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एक नए फोल्डेबल ग्रीन नट शेड को बनाने की वीडियो, आइए चलिए शुरू करें। दोस्तों ये थे हमारे इस साइड के 2 ग्रीन नट शेड जो कि हमने स्टील वाले पाइप पर बनाए, स्लाइडिंग वाले। आज जो आपको हम एक लो कॉस्ट ग्रीन नट शेड बना के दिखाएंगे दोस्तों, ये मेरी जो इस साइड जगह है, तो ये वाली जगह दोस्तों मेरे पास थोड़ी कम है, पर यहाँ भी हम एक ग्रीन नट शेड बनाएंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर कॉस्ट इफेक्टिव कौन सी दोस्तों बात है कि यहाँ पर मैंने केवल लोहे के एक ही ट्यूब का इस्तेमाल किया है दोस्तों लंबे रूप में, वहाँ पर 5 लगी थी, यहाँ केवल 1 का उपयोग किया है। और इस तरफ देखें तो आप, मैंने सहारा देने के लिए दोस्तों एक जो लोहे की ट्यूब इस साइड डाली हुई है। अगर आपके पास ये वाली चीज़ नहीं बनी तो आप बना सकते हो, आपका दोस्तों लोहे का खर्च जो 3/4 कम हो चुका है। अगर मेरी ये जगह की बात करें तो दोस्तों ये जगह है 15 फुट की जो इसकी जो लंबाई है और 13 फुट जो दोस्तों इसकी चौड़ाई है। आप इसको कैसे कवर करेंगे मैं आपको सारा शुरू से बताऊंगा दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, पर आपको पूरा पता चल जाएगा आपने ये कैसे बनाना है और अपने पौधों को गर्मी से कैसे आपने बचाना है। सबसे पहले दोस्तों हमने वहाँ पर स्टील वाले पाइप का इस्तेमाल किया था, यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे दोस्तों एक वायर का। आप 6 से 8 mm की दोस्तों वायर लेंगे, ये देखिए। और दोस्तों स्टील का पाइप आपको पड़ जाता था तकरीबन 20 फुट की लेंथ जो पड़ती है वो पड़ जाती है 1300-1400 रुपए की। अगर आप 2 लेंथ डालोगे तो आपका खर्चा जो 2600-2700 के करीब आ जाता है, पर उसकी जगह पर ये वायर का हम यूज़ करेंगे। ये वायर केवल आपको 70 रुपए में तकरीबन कोई 62-63 फुट मिल जाएगी। दोस्तों देखिए 2600 का खर्च 70 रुपए में दोस्तों आ गया। अभी दोस्तों देखिए आप वायर, इसकी मोटाई आप अपने हिसाब से, इसकी जो गेज की बात करें, इसकी मोटाई की बात करें तो कम ज़्यादा भी ले सकते हैं, तो ये 6 mm भी ले सकते हैं आप, 7 mm 8 mm भी ले सकते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने दोस्तों क्या काम किया है, सबसे पहले क्या है इस साइड मैंने दोस्तों दीवार पर एंगल लगवा लिए हैं। अगर आपकी एक साइड दीवार है तो आपका ये और सस्ता पड़ जाएगा। देखिए यहाँ पर एंगल लगवाकर मैंने वायर को एक तरफ दोस्तों बांध दिया है, और इसी तरह दोस्तों दूसरी तरफ, चलिए दूसरी तरफ भी मैंने जो दोस्तों दीवार में एंगल लगवा दिए हैं। ठीक है दोस्तों, इतनी बात क्लियर हो गई। दोनों तरफ जो मेरी वायर्स है दोस्तों, 15 फुट का मेरा वायर था, एक तरफ
15 फुट दोस्तों वायर आ गई, दूसरी तरफ भी 15 फुट वायर आ गई और इसके ऊपर दोस्तों जो मेरा पाइप है ये भी 15 फुट का हो गया। दोस्तों पाइप लगाने का क्या मतलब है मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा समझाता हूँ। जब आपका ग्रीन नेट इस वायर पे पड़ जाएगा उसके बाद उस तरफ से इस वायर पे आ जाएगा, अगर ये पाइप बीच में नहीं लगाएंगे तो आपका जो नेट थोड़ा भारी हो जाएगा और नीचे से उल्टा जो यू टर्न ले जाएगा। इसको बचाने के लिए इस चीज़ के लिए क्या किया कि मैंने एक पाइप बुलवा दी है, वो पाइप से एक आपका झोपड़ी टाइप भी बन जाएगा और सुंदर दिख बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे का प्रोसेस शुरू करें। अभी दोस्तों वायर थोड़ी मोटी होती है, अभी इसको आप हाथों से खींचकर तो दोस्तों बांध नहीं सकते, तो इसके लिए आप एक मैकेनिज्म लगाएंगे, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप वायर की दोस्तों मिनती कर लें, मिनती करने के बाद आप क्या करेंगे ऐसे वायर को गोल बना लें, कुंडी बना लें। आगे क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। अब दोस्तों आप क्या कीजिएगा कि ऐसे आपको नट बोल्ट बाजार में मिल जाएंगे, इसकी जो लंबाई वो 8 इंच है, तो इस प्रकार आप साथ में वॉशर भी ले लें और दो आपको ये कसने के लिए बोल्ट भी मिल जाएंगे। ऐसे दोस्तों आपने दो लेने हैं। अब बात आई इन कुंडियों की दोस्तों, इन हुक्स की, तो आप क्या करेंगे इस अपनी हुक्स को दोस्तों मैकेनिक के पास जाकर इस हुक को दोस्तों आप यहाँ पर इसकी एक वेल्डिंग लगा लेंगे। इसके बाद आपको दोस्तों ये कैसे दिखेगा मैं दिखाता हूँ। दोस्तों वेल्डिंग करने के बाद ये आपको जस्ट एक ऐसे दिखेगा, ये मैंने पहले यूज़ किया है, पेंट किया हुआ दोस्तों। ये देखिए हुक को मैंने यहाँ पर वेल्ड करवा दिया ये वाली साइड कसने के लिए। अभी दोस्तों मैं आपको आगे का प्रोसीजर बताता हूँ। दोस्तों इस तरफ मैंने ऐसे एंगल लगवा लिया, देखिए आप ऐसे एल टाइप इसमें ज़रूर लगवा लें। इससे क्या है, इसका क्या यूज़ है कि हम क्या करेंगे कि इस जो ये जो हुक वाला हिस्सा दोस्तों ऐसे बीच में ऐसे डाल देंगे और ये वाला जो नट है जिसमें घुमा देंगे दोस्तों। अब दोस्तों ये क्या काम करेगा मैं आपको समझाता हूँ बाद में। पहले हम लोग क्या करेंगे कि पहले वायर में जो अपना ग्रीन नट शेड वो निकाल लें, इसी तरफ आप इस साइड और एक आप उस साइड दोस्तों बना लेंगे। इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपने ये वाला जो एल शेप लगवा लेना है ताकि ये वायर को खींचेगा तो ये टूट ना जाए, इसके लिए आपने इसके एल शेप में लगवा लेना उसको ऊपर। आइए दोस्तों आप क्या करेंगे, अब हम इन वायर्स में अपना ग्रीन नेट शेड वो डालेंगे। ये दोस्तों हमने ग्रीन नेट शेड उसकी जो जितनी उसकी मिनती थी उस मिनती के हिसाब से हमने तैयार करवा लिया। ये जो लोहे के रिंग्स दोस्तों लगवाएं, ये पूरे 2 फीट का डिस्टेंस रखा है इनका, 2 फीट का डिस्टेंस है बीच में। ये देखिए 2 फीट के बाद ये रिंग्स मैंने लगवा लिए। आप कहीं से कोई भी शॉप जो बैग वगैरह सिलने का काम करती वहाँ पर जाके आप उनसे ये रिंग्स लगवा सकते हैं, ये निवार का यूज़ किया हुआ है। सो दोस्तों ये हमारा ग्रीन नेट शेड, आप देखिए पूरी इसकी मिनती करवा कर मैंने इसको तैयार कराया। पहले आप वायर वाला काम पहले दोस्तों कर फिर ही ये लेके आना आपने। अब आगे क्या करेंगे, जो वायर्स हमने एक वायर उस तरफ बांधी थी एक वायर इस तरफ बांधी थी, अब एक तरफ दोस्तों वायर वहाँ डालेंगे उस रिंग्स में और दूसरी वायर यहाँ पर डालेंगे। ये देखिए इन सारे दोस्तों रिंग्स के बीच में से हमने वायर निकाल लेनी है। ऐसे निकालने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है कि आपने दोबारा ऊपर जाकर अब दोस्तों इसको आपने ये देखिए ऐसे यहाँ से निकाल लेना। आपने जो ये हुक वाली साइड इधर रखनी है, ऐसे निकाल कर क्या करेंगे वॉशर डाल लें। अब दोस्तों जिस वायर में आपने ये देखिए ये जो रिंग्स डाले थे, अब इस वायर की जो आपने यहाँ पर जो मोल्ड कर आपने कुंडी बनाई दोस्तों, इसको आपने ऐसे इस हुक में फंसा लेना है, थोड़ा सा खींच के रखिएगा। अब दोस्तों आप क्या करेंगे इसको आप कस देंगे। अब दोस्तों मैकेनिज्म आप समझ गए होंगे कि जैसे ही आप कसते जाएंगे जो आपकी वायर वो तनती जाएगी वो खींचती चली जाएगी। ऐसे आप कोई भी चीज़ ले लें और इसको आप घुमाना शुरू कर दें।
पेज को जैसे जैसे दोस्तों हम घुमाएंगे वैसे वैसे देखिए तार वो कसती जाएगी, क्योंकि आपके इस ग्रीन नेट को स्लाइड करने के लिए तार का मजबूती से कसा होना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए वायर पूरी तरह से कस चुकी है। जो काम दोस्तों हम स्टील पाइप से ले रहे थे वो काम हम वायर से लेंगे। वायर को कसने के लिए हमने इस मैकेनिज्म का उपयोग किया। अब देखिए वायर पूरी तन चुकी है। इसी प्रकार दोस्तों दूसरी साइड का भी वैसे ही करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, जो आपका ग्रीन नेट है इसको आप अपने जो बीच में लोहे की आपने जाली डाली थी ट्यूब उसके ऊपर से निकाल देना है तो ये झोपड़ी टाइप बन जाएगा। इसी प्रकार आप इसके भी जो रिंग से इकट्ठे कर लें। इसके बाद दोस्तों बताएंगे कि आपने रस्सी कैसे जो बांधनी है, उसकी काफ़ी कन्फ्यूज़न थी हमारे सब्सक्राइबर्स को, आज वो कन्फ्यूज़न भी क्लियर कर देंगे। ये देखिए ऐसे रिंग्स निकालने के बाद ये दोस्तों जो मैंने वायर की मिनती कर कर ये जो रिंग पहले बनाया हुआ है कुंडी वायर की पहले बनाई हुई है, आप इस काम के लिए किसी प्रोफेशनल की मदद भी ले सकते हैं। तो दोस्तों हमारी वायर दोनों तरफ पूरी हो गई, अब इस तरफ भी इसको थोड़ा कसेंगे। ध्यान रखिएगा कि आपके कोई जैसे आप वायर को कस रहे हो ज़्यादा नहीं कस देना कि वो वायर ही टूट जाए, उतना ही आपने उस वायर को कसना है। ये इंसिडेंस हो सकते हैं जब आप काम करते हो ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं होते हो, फिर भी द शो मस्ट गो ऑन। ये देखिए दोस्तों यहाँ की वायर भी तन गई है हमारी। ठीक है दोस्तों, इतना समझ आ गया कि दोनों तरफ हमने वायर पे ये लगा दिया। अब अगले मैकेनिज्म की बात करेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न थी कि रस्सी को कैसे बांधा जाए कि एक तरफ से खींचे तो बंद हो जाए दूसरी तरफ खींचे तो खुल जाए। आइए अब उस भाग की बात करेंगे। दोस्तों इसमें आपने ये डिसाइड करना है कि आपने जो अपने ग्रीन नेट को किस साइड इकट्ठा करना है। हमने ग्रीन नेट को दोस्तों इस साइड इकट्ठा करना है, दीवार की साइड नहीं इकट्ठा करना। जब इसको हमने खींचना है तो इस साइड जो सारा इकट्ठा हो जाए बंद हो जाए, जब हमें खोलना है शाम करनी है तो यहाँ से जो हमारा ये इधर की तरफ वो जाएगा। तो दोस्तों अभी आपको बताएंगे रस्सी कैसे बांधनी। उससे पहले एक बात और, जिस तरफ आपने नेट को इकट्ठा करना उस तरफ आप उसको पक्का ही बांध लें। जैसे देखिए ऐसे आप देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने ये वाली चीज़ थोड़ी एक ना ऊपर निकाली हुई है। इसका रीज़न क्या है कि आपका नेट ऐसे बाहर ना आ जाए, तो इसके लिए ये चीज़ लगाई हुई है। तो आपने ये वाली साइड को दोस्तों पक्का ही बांध लेना है। तो ये दोस्तों हमने इसको इस तरह बांध लिया कि ये वाला हिस्सा सरकर आगे को नहीं जाएगा। अभी केवल आपका इस तरफ वाला हिस्सा दोस्तों ये वाला खुलेगा। अभी इस पर हम रस्सी वाला मैकेनिज्म लगाएंगे। जहां पर हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स पजल थे, अब बताएंगे आपको रस्सी कैसे बांधनी है। दोस्तों आप इस तरफ से खींचेंगे तो ये बंद हो जाएगा, अगर आप रस्सी को इस तरफ से खींचेंगे तो ये खुल जाएगा। अभी आपको बताते हैं आपने रस्सी कैसे बांधनी है। दोस्तों रस्सी आपने कितनी लेनी, मैं आपको बताऊंगा कि जो मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक वाया था ये 15 फीट का था, तो रस्सी दोस्तों आपने डबल लेनी है, डबल सिंगल नहीं लेनी, डबल रस्सी आपने यहाँ से लेकर, देखिए यहाँ से लेकर ये डबल रस्सी दोस्तों 15 फीट हो गई। यहाँ कन्फ्यूज़ मत होइएगा, डबल रस्सी है ये 15 फीट, आपने 15 नहीं लेनी, आपने 5 फीट ज़्यादा ले ली ना, आपने तकरीबन उससे आपने 20 या 25 फीट दोस्तों कर लेनी, क्योंकि यहाँ से नीचे भी आएगी। देखिए एक साइड में, ये एक साइड की बात कर रहा हूँ। अभी आप इस पे पर्दे पे रस्सी को कैसे लगाना है, जैसे इस तरफ दोस्तों लगाएंगे वैसे ही हम दूसरी तरफ भी रस्सी डालेंगे, वो अलग से डबल रस्सी लेंगे। दोस्तों यहाँ पर आप थोड़ा सा कन्फ्यूज़ मत होइएगा। अब दोस्तों आप ध्यान से समझिएगा कि आपने मान लीजिए ये आपका दोस्तों ग्रीन नेट ये बंद है, अभी आपने इसको खोलना है, तो इसके लिए आपने ये जो रस्सी है जहाँ से फोल्ड होती है डबल रस्सी आपने यहाँ पर बांध देनी है। तो आपने जिस साइड आपका नेट खुलना है उस साइड के अखीर ले आपने रिंग में ये रस्सी को डाल देना है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, अब देखिए दोस्तों ये लास्ट वाला रिंग है, ये
तो मैंने यहाँ पर रस्सी को गांठ दे दी। अब दोस्तों सिंपल मैकेनिज्म समझिए, एक रस्सी दोस्तों उस तरफ जाएगी, एक इस तरफ जाएगी। देखिए अभी इसको थोड़ा सा अलग कर लीजिए दोनों रस्सियों को। अब ये देखिए दोस्तों, हमने दोनों रस्सियों को अलग अलग कर लिया बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में। आप देखिए यहाँ पर मैंने केवल एक ही रिंग से बांधा है पर ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो दोस्तों जब आप यहाँ से खींचेंगे तो ये खुलेगा दोस्तों, इसी प्रकार अगर ये वाली रस्सी खींचेंगे तो बंद होगा। ये देखिए ध्यान से, इधर की खींचेंगे तो खुलेगा, तो इधर खींचेंगे तो बंद होगा। अभी पूरा इसका प्रैक्टिकल करेंगे। अभी दोस्तों आप सेम ही जो रस्सी का मैकेनिज्म आप दूसरी साइड भी लगाएंगे, वहाँ से अलग से रस्सियाँ, दो रस्सियाँ लेंगे। ये आपकी वो साइड जहाँ पर पक्का ये फिक्स रहेगा, ये जो साइड आपकी मूव करेगी। तो इसके लास्ट रिंग पर जैसे हमने उस साइड रस्सियाँ दो बांधी थी, इस प्रकार यहाँ भी इसको हम बांध देंगे। जी दोस्तों इधर मैकेनिज्म बन गया, इधर खींचेंगे तो ये आपका नेट खुलेगा, इधर खींचेंगे तो ये नेट आपका बंद होगा। इसी प्रकार हमने उस साइड दो रस्सी पहले लगा ली थी। अब इसको प्रॉपर दोस्तों फ्रेम में करेंगे। अभी अब क्या करेंगे कि इस साइड रस्सी को आप यहाँ से निकाल लेंगे ताकि आपको खींचना आसान हो सके। दोस्तों इस प्रकार आप रस्सी का जो एक जो साइड है आप वहाँ पर इस साइड लगा देंगे और एक साइड आप इस तरफ रख लेंगे। अब आपको खोल के दिखाते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। ये देखिए दोस्तों, हमने इस रस्सी को यहाँ से निकाल दिया है सिंपल। तो अभी इसको खींचेंगे रस्सी को, एक इस तरफ से एक उस तरफ से खींचेंगे, तो देखिए अभी नेट खुलेगा। तो अभी दोस्तों इस नेट को, अभी दोस्तों इस साइड जो रस्सी हमने इस साइड जो बांधी थी, देखिए लास्ट वाले रिंग पर थोड़ा ध्यान दीजिए आप। लास्ट वाले रिंग पर रस्सी बंधी हुई है, देखिए अभी वहाँ से ये ऐसे खींच के इस तरफ ले आएंगे, ये आपका नेट दोस्तों खुल जाएगा। इसको फिर रिपीट करते हैं एक बार। तो दोस्तों एक बार फिर रिपीट करेंगे कि देखिए अब रस्सी आप ऐसे खींचिए, सेम ही लास्ट रिंग पर ही सारा ये जो खींचने काम चल रहा है दोस्तों, देखिए। इसका दोस्तों क्या फ़ायदा है कि कोई बच्चा भी आके इसको खोल सकता है, बंद कर सकता है। अभी मान लो कि अभी आंधी आ जाती है तो आपको इसको नेट को बंद करना, तो केवल आप क्या कीजिएगा, आपने इस साइड वाली रस्सी को अपने दूसरे साथी के साथ आपने बस थोड़ा सा स्लाइडली इसको खींच देना है। जो दोस्तों आपके पास रस्सी ज़्यादा है उसको आप थोड़ा यहाँ पर साइड में कहीं बांध लें ताकि वो कहीं रस्सी आपके पैरों में ना फंसे। अब देखिए मान लो आंधी आ जाती है, आपको जल्दबाजी में बंद करना पड़े तो क्या आपने क्या करना है, केवल रस्सी को बस ऐसे खींच देना। मात्र दोस्तों 1 से 2 सेकंड में आपका जो ये ग्रीन नेट खुल जाएगा और बंद हो जाएगा। और दोस्तों बिल्कुल कॉस्ट एफिशिएंट, हमने स्टील की पाइप को रिमूव कर दिया, उसकी जगह हमने ये जो वायर्स लगा लिए दोस्तों, 8 mm की हो सकती है, 10 mm की वायर भी आप लगा सकते हैं। और इसको आपने कैसे कसना उसका मैकेनिज्म भी मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे स्क्रू लेकर उसको आप टाइट कर सकते हो। सो दोस्तों ये थी एक वीडियो जो हमारे फ्रेंड्स की, जो हमारे एक सब्सक्राइबर्स की पिछली कन्फ्यूजन्स थी वो सब हमने दूर करने की कोशिश की है। तो दोस्तों आप भी लगवाइए ऐसा ग्रीन नेट, और इस वीडियो की हेल्प से आप एक ऐसा सस्ता ग्रीन नेट शेड तैयार कर सकते हैं जिसको आप मात्र 2 से 3 सेकंड में ही खोल सकते हैं। सो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ। आपसे एक बात और शेयर करना चाहूँगा कि हमने एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, द ग्रीन अर्थ टीम। मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका लिंक शेयर किया हुआ है, टेलीग्राम लिंक का। दोस्तों उस ग्रुप में आप शामिल होइए, जो आपकी क्वेरीज हैं और जो भी आपके गार्डनिंग से रिलेटेड आपके प्रश्न हैं दोस्तों, मुश्किलें हैं, वहाँ पर रखिए। वहाँ हमारा कोई ना कोई ग्रुप मेंबर, आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, हमारे और भी साथी हो सकते हैं, वो आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। सो दोस्तों
इसी आज के साथ कि आपको इस वीडियो में सारा कुछ समझ आ गया होगा। सो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिएगा, इस पर कमेंट कीजिएगा। अगर आपको कोई इस पर डाउट होगा ग्रीन नेट शेड बनाने में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपको हर चीज़ की जो रिप्लाई दे सकूँ। ठीक है दोस्तों, अभी वीडियो समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक हैप्पी गार्डनिंग, आप सबको नमस्कार।